वेलकम है गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाइड्रोजेस्टेरोन 10 mg की टैबलेट लेने के बाद पीरियड्स कब आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, वैसे तो इंडियन मार्केट में इस टैबलेट के काफी सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे फेमस जो ब्रांड नेम है वो दो हैं। फर्स्ट है डुफेस्टन 10 mg और दूसरा है डाइड्रोबून 10 mg। फिर बात आती है कि इस टैबलेट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए, इस टैबलेट का जो यूज़ है वो फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को इनक्रीज़ करने के लिए, उसके लेवल को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। होता ये है कि किसी वजह से अगर फीमेल बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो यूजली अंडेदानी बनाती है, मतलब ओवरीज बनाती है। लेकिन अगर अंडेदानी में, ओवरी में किसी टाइप की सिस्ट हो जाती है, सिंपल ओवरियन सिस्ट, फोलिकुलर सिस्ट या PCOD या PCOS के कारण अगर आपको हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो इससे आपको पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ जाती है। आपके पीरियड्स आना बंद हो जाएंगे, आपको पीरियड्स के टाइम कम ब्लीडिंग होगी, या पीरियड्स के बीच बीच में आपको हल्की हल्की स्पॉटिंग होती रहेगी, या आपको लाइट ब्लीडिंग होती रहेगी, या आपको बारी बारी मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम रहेगी, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, या आपको इम्प्लांटेशन प्रॉपरली नहीं होगा, कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, या पीरियड्स के टाइम आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा, या पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी। और ये जो ब्लीडिंग है ये हो सकता है कि आपको काफ़ी दिनों तक चले। तो ये सारी जो परेशानियां हैं ये यूजली प्रोजेस्टेरोन के कम लेवल के कारण होती हैं। ऐसी परेशानियों के साथ जब आप लोग अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब हम लोग आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपसे पूरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तब हमें जब लगता है कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोजेस्टेरोन के कम लेवल के कारण है, उसकी कमी के कारण है, तब हम लोग आपको ये गोली लेने की एडवाइस देते हैं। सामान्यतः जो इस गोली का उपयोग है वो प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा किया जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए, या फिर आपको अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चलता है ओवुलेशन इंडक्शन का, अंडे की क्वालिटी को इनक्रीज़ करने के लिए, जैसे टैबलेट होती है क्लोमिफेन साइट्रेट, या फिर लेट्रोजोल टैबलेट होती है, या आपका IUI हुआ है, IVF हुआ है, ठीक है। अगर आपको इन सभी प्रोसीजर से कंसीव नहीं होता है, आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, और आप लोग अगर पीरियड्स का वेट कर रहे हैं, तो बात निकल कर यहाँ से आती है कि आपको पीरियड्स कब आएंगे, या फिर आपने ये टैबलेट पीरियड्स को लाने के लिए यूज़ की है तो आपको पीरियड्स कब आएंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपने इस टैबलेट की डोज प्रॉपरली नहीं ली है तो हो सकता है कि आपको पीरियड्स प्रॉपरली ना आए। सामान्यतः जो इस टैबलेट की डोज है वो दिन में 2 बार होती है और मैक्सिमम दिन में 3 बार होती है, तो डोज आपने प्रॉपरली लेनी है, पहली बात। तो दूसरा ये है कि जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है, मान लीजिए कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो आपको ये टैबलेट लेनी बंद करनी होती है। जब तक आप लोग इस टैबलेट को लेते रहेंगे तब तक आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। तो जैसे ही आप लोग इस गोली को लेना बंद कर देते हैं तो आपको जो पीरियड्स हैं वो 1 से 10 दिन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको 10 दिन के अंदर अंदर पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आपको एक बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कंसीव होगा या अगर आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।